नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और महासचिव चित्रा सारवाला की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी का दामन थामने के बाद आज उनके अंबाला छावनी स्थित आवास पर आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डॉक्टर सुशील गुप्ता की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की जनहितैषी नीतियों से प्रभावित होकर न केवल आग का दामन थामा है बल्कि हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट का विलय भी आप में कर दिया है। वे आपके लिए तन मन धन से रात दिन समर्पित रहेंगे। इस अवसर पर चित्रा सरवाला ने भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डॉक्टर सुशील गुप्ता का गुणगान करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी देश और प्रदेश के वर्तमान माहौल में त्रस्त लोगों के लिए आशा की किरण है। इस अवसर पर डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल से प्रभावित होकर प्रदेश और देश के ईमानदार और कर्मठ लोगों में उनकी पार्टी को ज्वाइन करने की होड़ लगी हुई है। उन्होंने कहा है कि अब तो पंजाब सरकार की ओर से लिए गए जनहित के फैसले की नकल हरियाणा सरकार भी करने लगी है। उन्होंने हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जन सुविधाओं की आड़ में लोगों से शुल्क के नाम पर बड़ी राशि ऐंठी जा रही है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही पंजाब के बाद हरियाणा, गुजरात और देश के अन्य प्रदेशों के लोग दिल्ली मॉडल को अपनाएंगे। उन्होंने हरियाणा के SYL और राजधानी चंडीगढ़ समेत अन्य मुद्दों पर क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। सब आ गया जो पीछे कोई खड़ा नहीं है। सब हाँ जी करेंगे। हाँ जी प्लीज रजिस्टर करो। आपको स्वागत करते हैं। धन्यवाद आप सब प्रेस वाले भाइयों का। हमेशा की तरफ आप आज यहाँ हमारे रिक्वेस्ट पे आए और हमेशा आपने हमें सहयोग दिया, आगे भी भविष्य। आम आदमी पार्टी जो है आई है, अरविंद केजरीवाल जी के देश गुप्ता जी हमारे घर आए हैं। मैं कहूँगी हमारे घर नहीं आए, हमारे परिवार में नहीं आए, हमारे इलाके में आए हैं। आज आम आदमी पार्टी एक आशा की किरण है पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए, हर आम व्यक्ति के लिए। और हम ये आज ये कहते हैं कि हम पूरी निष्ठा से अपने हर दायित्व को निभाएंगे, जो भी पार्टी के कार्य केटेड रखेंगे। तो मेरी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से, हमारे लड़ी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनके दिल्ली मॉडल को पसंद करते हुए इनका स्वागत करता हूँ। इनके साथ में इनकी बेटी चित्रा सरवारा जो यहाँ से कॉर्पोरेटर रही है, यूथ का आइकॉन है, जो एक क्षेत्र के अंदर जितने यूथ हैं उन यूथों को साथ लेकर चलने की कैपेसिटी चित्रा के अंदर है। चित्रा जी ने भी कल आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, इनके साथियों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। मैं उन सब का अभिनंदन करता हूँ। गरीब व्यक्ति और गरीब होता चला गया, देश का 85% पैसा चंद परिवार के पास चला गया। हरियाणा बेरोजगारी हरियाणा गुनाह के रास्ते पर चल पड़ा, क्योंकि हरियाणा भ्रष्टाचार और युवकों की नौकरी में भ्रष्टाचार के लिए आज सिद्ध हो चुकी है। गुंडा राज हरियाणा के अंदर घर से निकलते हुए डरती है, महंगाई सिर पे चढ़ के बोल रही है, चारों तरफ से एक निराशा का माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है। ऐसे तो दिल्ली के अंदर बेहतरीन बनाए, बेहतरीन कॉलेज बनाए
आज हरियाणा का हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरे बच्चों को दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिले। दिल्ली जैसे स्कूल और कॉलेज हरियाणा के अंदर भी बने, ऐसी उम्मीद हरियाणा के व्यक्ति रखते हैं। दिल्ली के हॉस्पिटल आज जान बचाने के लिए कोई भी व्यक्ति हो, हरियाणा का, पंजाब। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।